शालोम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओवरकमर्स। आज के मैसेज का नाम है अदृश्य, इनविजिबल। मैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5 और 6 पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर ये खड़े होकर प्रार्थना करना इनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो अदृश्य को देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता वो देखता है जो कोई और नहीं देखता, तुझे प्रतिफल देगा। आज के मैसेज का नाम है गुप्त, अदृश्य, इनविजिबल। एक आत्मिक व्यक्ति उस अदृश्य दुनिया से वाकिफ है जिसको वो देख नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे जीता है कि जैसे वो अदृश्य परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसको वो नहीं देख सकता लेकिन परमेश्वर उसको देख सकता है, वो सब कुछ ऐसे विश्वास से करता है जैसे सही में वो परमेश्वर है जिसको वो देख नहीं पा रहा, परंतु उसके हर अनदेखे काम को परमेश्वर आशीष देगा। आज के इस वचन में प्रभु का वचन कहता है, जब प्रार्थना करते हो अपने द्वार को बंद कर लो, अपना रूम बंद कर लो। मतलब एक व्यक्ति जब अपने रूम का गेट बंद करके उस स्थान पर जाता है जहां उसको कोई नहीं देखता, वो इस भरोसे से, इस विश्वास से बैठता है कि एक जन है, एक अदृश्य परमेश्वर है जो उसके इस काम को, जो दुनिया से अदृश्य है, देखता है। कोई यदि व्यभिचार करे तो आप उसके बाहरी हरकतों को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हवस है उसको कोई देख नहीं सकता। कोई यदि प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसके अंदर जो परमेश्वर के प्रति भरोसा है और विश्वास है वो कुछ नहीं, कोई नहीं देख सकता। इसलिए कुछ चीजें जीवन में अदृश्य हैं, कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। आदमी को परमेश्वर ने बनाया कि वो दोनों दुनिया में चले, मतलब वो पृथ्वी में चलकर स्वर्ग में उस परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे जो अदृश्य है। मतलब वो चेतना, एक मैन जब कॉन्शियस रहता है उस गॉड के बारे में जिसको दुनिया देख नहीं सकती, या जब विश्वासी अपना हाथ ऊंचा कर आंख बंद करके आराधना करते हैं तो बहुत से मूर्ति पूजक ऐसे ही अचंभित हो जाते, ये कैसे बिना देखे आराधना कर रहा है। हमारे लिए तो देखना इतना जरूरी है, हमारे लिए हाथों से बनाई चीजों को देखना इतना जरूरी है, लेकिन ये व्यक्ति कैसे बिना देखे आराधना कर रहा है। ये आराधना उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास के कारण है, वो परमेश्वर जो अदृश्य है। जब आदमी को परमेश्वर ने बनाया तो इसलिए बनाया कि वो दोनों दुनिया में चल सके, परंतु आदम के पाप के कारण उसने वो क्षमता खो दी कि वो उस अदृश्य दुनिया को देख सके। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो जिसको बाइबल में इंक्लूड नहीं किया गया, डाला नहीं गया है, परंतु एनकरेजमेंट के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए नहीं, एनकरेजमेंट के लिए कुछ बातें हम उनसे सीख सकते हैं या बैकग्राउंड की कुछ स्टोरीज को समझ सकते हैं। ऐसी एक बुक है, बुक ऑफ एडम एंड ईव। उसमें जब आदम और हवा ने पाप किया उसके बाद वचन यू कहता है, पर अब हम वैसे नहीं देख पा रहे जैसे हम देखते थे, हमारी आंखें शरीर बन गई हैं, वो उस प्रकार से नहीं देखती जैसे पहले देखती थी। और फिर आदम ने हवा से फिर से कहा, देखो हमारी आंखें, हम पहले स्वर्गदूतों को देखते थे जो जिनकी स्तुति कभी खत्म नहीं होती थी। सोच के देखिए, आदम और हवा जब उस बगीचे में होंगे, उनके क्या दृश्य होगा जब वो उस अनदेखे दुनिया को, उस दुनिया को, उस आत्मिक जगत को जब वो खुलकर देख पाते थे। क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है कि आदम कहता हवा से कि हम स्वर्गदूतों को उसके स्तुति गान सुनते थे जो कभी खत्म नहीं होती थी। पहले मैं बता दूं कि इससे पहले कोई बोले कि
मैं किसी और बुक्स का प्रमोशन कर रहा हूँ जो बाइबल में इंक्लूडेड नहीं है, मैं इससे कोई डॉक्ट्रिन नहीं ले रहा, परंतु एनकरेजमेंट के लिए कुछ बातें हम समझ सकते हैं अच्छे से। आदम और हवा पर क्या बीता होगा जब सबसे पहले उस पाप के कारण उनकी वो क्षमता चली गई कि आत्मिक जगत को देख सके। मैं फिर से बोलता हूं, परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हम पृथ्वी पर चले और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, परंतु आदमी के पाप के कारण सबसे पहली वो क्षमता जो चली गई वो है आत्मिक जगत को देखने की क्षमता। तो आदम और हवा के पाप का जो सबसे बड़ा एक प्रभाव था वो परमेश्वर से सहभागिता टूटना तो था, और उसका ये भी प्रभाव पड़ा कि वो आत्मिक जगत को अब पहले जैसे नहीं देख पा रहे थे। वचन कहता है जैसे एक आदमी ने पाप किया और पाप पूरे मनुष्य जाति में फैला, हम उसी पाप पूर्ण अवस्था में पैदा हुए। हमने बचपन से कभी भी उस अदृश्य जीवन को या उस आत्मिक जगत को नहीं देखा, वो हमारे लिए अदृश्य है। परंतु जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने लगता है, जब एक व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर को देता है, वह उस अदृश्य दुनिया से वाकिफ रखने लगता है। वह अदृश्य दुनिया उसके लिए अब एक अनजान दुनिया नहीं, वो बिना देखे जानता है कि एक परमेश्वर है जो मुझे देख रहा है। आज आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपका प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, आपके प्रार्थना करने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब आप अकेले बैठकर उस परमेश्वर से दुआ करोगे, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ करोगे कि मैं जिसको दुआ कर रहा हूं वो सही में देख रहा है। ये फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम जी रहे हैं, ये भी पूरे रूप से उस अनदेखे दुनिया द्वारा ही चलाई जाती है। मतलब आत्मिक जगत का पूरा प्रभाव इस शारीरिक जगत में है। इस शारीरिक जगत में जो कुछ होता है वो इसीलिए होता है कि पहले वो कहीं ना कहीं आत्मिक जगत में घटता है। प्रभु का वचन आज कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो एकांत में या अकेले में छुप कर दुनिया से अनदेखे गुप्त में उस गेट को बंद करके अपने पिता से दुआ करो, क्योंकि तुम्हारा पिता गुप्त में तुम्हें देखता है। आप उस पिता को नहीं देख सकते, वो आपको देखता है। और वचन कहता है तुमको वो उसका प्रतिफल देगा। बहुत से लोग जब प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना नहीं कर पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। बहुत से लोग अपने प्रार्थना के समय पे, अपने प्रार्थना के जीवन पे ध्यान नहीं देते। बहुत से लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि सारी चीजें अनदेखी हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे पिता से कुछ नहीं छुपता, तुम्हारा पिता सब कुछ देखता है, तुम्हारे पिता की नजरें सब जगह है। और जब कोई व्यक्ति अपना गेट बंद करके इसलिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर खाली देखे, ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। परमेश्वर उसको देखता भी है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता भी है, और परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल देता है। कुलीसियों अध्याय 1 पद संख्या 15-16 कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु में ही सब कुछ बना है, दृश्य और अदृश्य। परमेश्वर का राज भी दिखता नहीं है, उसकी आशीष है, उसकी बरकत, उसकी प्रोटेक्शन दिखती नहीं है, वो महसूस की जाती है। जो अंधकार का जगत होता है उसकी जो फियरफुल प्रेजेंस, वो ईविल प्रेजेंस, वो दिखती नहीं, वो महसूस की जाती है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है, परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ निरंतर चलने के कारण, उसके वचन को ठीक से जानने के कारण, वो बिन देखे उस परमेश्वर की चेतना में चलता है और उसका प्रार्थना जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। मैं इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय पद संख्या 24-27 पढ़ता हूँ, प्रभु का वचन सुनते हैं। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना स्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वो प्रतिफल पाने की आस लगाया था। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ बना रहा।
कि कैसे मूसा ने जो आशीष दिख रही थी, जो रिचेस, जो धन दौलत, जो मिस्र का सारा वैभव, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो मसीह के साथ उस दुख भोग का सहभागी बन सके और उस अदृश्य परमेश्वर पे ईमान के कारण उसने दिखती हुई चीजों को छोड़ दिया। और वही मूसा विश्वास के लिए हमारा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। आपको परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है उस पर विश्वास करने के लिए। अगर आपके पास उसका वचन है, आप उसके वचन पर ईमान डाल सकते हैं, क्योंकि ये अदृश्य दुनिया ना केवल देखती है, अदृश्य दुनिया बोलती है, अदृश्य दुनिया गवाही देती है। एक दिन आपकी और मेरी जीवन की किताब खुल जाएगी और हमारे हर एक कर्म उस परमेश्वर के सामने प्रकट होंगे जिसको हमको अपने जीवन का हिसाब देना है। एक एक बातें, एक फालतू बात जो हमने बोली है उसका भी हिसाब देखना। आपने बोले किसने देखा, उस परमेश्वर ने देखा जो सब कुछ देखता है और उसको कोई नहीं देख सकता। हम बड़े ही हुए हैं उस अदृश्य को बिना जाने, बिना समझे, बिना उसकी चेतना के हमने पाप किए, हमने अपना जीवन जैसे चाहे वैसे बिताया। पर जब हम परमेश्वर के पुत्र को जाने और उसके द्वारा जब परमेश्वर से एक हुए, पहली चीज होती है जो एक आदमी को एहसास होता है कि परमेश्वर है और हर खोजने वाले को उसका प्रतिफल देता है। इसलिए भजन संहिता 139 में दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बच के कहाँ जाऊँ। यही दाऊद का एक एग्जाम्पल है, मैन हुज कॉन्शियस ऑफ गॉड, एक आदमी जिसको चेतना है कि वह परमेश्वर उसको देखता है, वो उससे बच के कहीं जा नहीं सकता। वो परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर जिसकी आंखें सब जगह है। इसलिए वो कहता है मुझे खोज और मुझे जान। मतलब परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उसके मन के सारे भीतरी विचारों को जानता है, एक एक मन से निकली बातों को जानता है, वो खुद परमेश्वर को प्रार्थना में सहभागिता करता है उसके साथ और परमेश्वर को अलाउ करता है कि डेली उसके हार्ट को जांचे और देखे, उसमें यदि कोई गलत बात हो तो उसके जीवन से हटाए और उसको अनंत जीवन के मार्ग पर लेके चले। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से जानता है, मैं तुझसे बच नहीं सकता, मैं तुझसे छुप नहीं सकता, मैं अधोलोक में भी जाऊँ तो वहां तू है। वचन कहता है कि तूने, मैं जब अपने माँ के पेट में ही था तो मेरा अस्तित्व तुझसे नहीं छुपा था, तूने मुझे घेर रखा। ये सब बातें मेरे लिए बहुत अचंभित करने वाली, ये बहुत वंडरफुल है, ये बहुत मार्वलस चीज है मेरे लिए। ना केवल एक पापी अपने पाप छुपा के रखने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर धर्मी से भी कहते हैं कि तुम अपने अच्छे काम को छुपा कर रखो। तुम जब अपने दाहिने हाथ से देते हो तुम्हारे बाएं हाथ को मालूम नहीं चले, तुम जब उपवास करते हो तो लोगों को दिखाने के लिए मत करो, तुम जब प्रार्थना करते हो लोगों के बीच जाके दिखाने की मत करो, परंतु अकेले में गुप्त में उस पिता को करो जो सदृश्य को देखता है, जो गुप्त को देखता है, वो तुमको प्रतिफल देगा। एक आत्मिक व्यक्ति कौन है, जो कॉन्शियस है, जिसको चेतना है उस अनदेखे जगत की, उस अनदेखे परमेश्वर की। जब डैनियल 21 दिन फास्टिंग प्रेयर करता है और वो स्वर्गदूत आता है तो बोलता है, ओ डैनियल बिलव्ड ऑफ गॉड, ओ डैनियल जिससे परमेश्वर प्रेम करते हैं। डैनियल परमेश्वर को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर उसको देखते भी हैं, परमेश्वर उससे प्रेम भी करते हैं। ये स्वर्गदूत भी जानता है कि डैनियल स्वर्ग को नहीं देख सकता, लेकिन स्वर्ग डैनियल को देखता है। एक आत्मिक व्यक्ति की गवाही होती है अनदेखे दुनिया में। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, तुम कौन? मतलब वो डीमंस भी बोलते हैं कि जीसस और पॉल को हम उनकी एक्टिविटीज के कारण जानते हैं। तुम कौन हो? मतलब एक स्पिरिचुअल मैन अनदेखी दुनिया में उसकी गवाही होती है, वो स्वर्ग हो या नरक हो। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की, आत्मिक व्यक्ति की उस अदृश्य दुनिया में ना केवल पहचान होती है, उसका सम्मान होता है। इसलिए वो डैनियल बिलव्ड ऑफ गॉड। आज जब आप उस गेट को बंद करें प्रार्थना करने के लिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि वो परमेश्वर जिसको मैं नहीं देख सकता वो मुझे देख सकता है।
आज से आपको एक ऐसी चेतना रहे उस अनदेखे परमेश्वर की, कि आप अपना ऐसा जीवन जिए कि जब कोई भी नहीं देख रहा, आप इस बात के लिए कॉन्शियस रहे कि गॉड मुझे देख रहे, परमेश्वर मुझे देख रहे। आप देखेंगे आपके जीवन में आप कैसे जीते हैं, अद्भुत परिवर्तन आएगा। और सबसे ज्यादा परिवर्तन शायद आपके प्रार्थना जीवन में आएगा जब आप उस गेट को बंद करेंगे, तो आप जान जाएंगे कोई है जो मुझे देख रहा है। आइए मैं इसमें दुआ करूंगा। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, दुआ करते हैं प्रभु उनके प्रार्थना जीवन में एक अद्भुत प्रभाव पड़े। दुआ करते हैं परमेश्वर जब वो प्रार्थना करे प्रभु पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करे प्रभु, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। प्रभु आज से दुआ करते हैं प्रभु लोगों के जीवन में अद्भुत प्रभाव पड़े प्रभु, इतने कॉन्शियस हो जाए तेरी उपस्थिति के प्रभु, कि उनका चाल चलन प्रभु अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाए, ये जानते हुए कि परमेश्वर उनको देख रहा है। दुआ करते प्रभु अपने लोगों को आशीष करिए परमेश्वर, और प्रभु आपकी चेतना में हम चले आए, ये कॉन्शियस होकर चले कि मेरा परमेश्वर जिसको मैं नहीं देख सकता मुझे देखता है। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मैसेज से अगर आप ब्लेस होते हैं दूसरों से शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए कि कैसे ये मैसेजेस आपको ब्लेस करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप इस मिनिस्ट्री के विषय में कोई भी बात जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए। या आप अगर हमारा स्कूल ऑफ फेथ ज्वाइन करना चाहते हैं जो विश्वासियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है मिनिस्ट्री के लिए, तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए कॉल करिए, आपके लिए दुआ की जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले हफ्ते दी ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।